बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 25 जनवरी, डे है ट्यूसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 26 जनवरी वेनसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 44,887 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 36.14 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.06%। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब, 96.01 बिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनिस्बत हायर हैं। और अपने 5 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 97.98 मिलियन, उसके जस्ट स्लाइटली बिलो हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 44,965 के पास से दी थी, उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 45,255 का किया है। और इसके बाद जनाब इंडेक्स के अंदर इन लास्ट जो है एक सेलिंग प्रेशर देखा गया, जिसकी वजह से इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग जो नेगेटिव भी एडजस्ट की है, अपना लो जो पोस्ट किया है 44,846 का किया है। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की जो पोजीशन रही वो बुलिश रही, बस इन लास्ट जो है लास्ट आवर्स के अंदर इंडेक्स के अंदर जो है थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के लिए या सेलिंग के लिए वो देखी गई है। कंपनीज की बात करें तो जनाब 44 कंपनीज आपके सामने अप रही हैं, डाउन जो है 43 रही हैं, अनचेंज जो है वो 13 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं जनाब, एडवांसर के नंबर वन पे लक्की सीमेंट रहा है, जिसने 53 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे एफएससी है, जिसने 18 पॉइंट ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे सीएचसीसी है, जिसने 13 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद बीएफएल है जनाब, जिसने 11 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद एमएलसीएफ है, जिसने 10 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें, नंबर वन पे आज भी टीआरजी रहा है, जिसने 49 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे सीस है, जिसने 41 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे जनाब कोलगेट है, जिसने 22 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद एंग्रो है, जिसने 19 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद बीएचएल है, जिसने 12 पॉइंट इसमें से निकाले हैं। जनाब अब बात करते हैं आज के वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स ही। नंबर वन पे जनाब वेव्स रहा है, इसने 15 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 3.47%। सेकेंड नंबर पर टीआरजी है जनाब, इसने 77 रुपीज़ 14 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 4.64%। थर्ड नंबर पर ट्रीट है जनाब, जिसने 38 रुपीज़ 91 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, निगेटिव रहा है 0.79%। इसके बाद नंबर आता है जनाब सीनर्जी का, जिसने 6 रुपीज़ 16 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और निगेटिव रहा है 0.32%। उसके बाद नंबर आता है डब्ल्यू टी एल का, जिसने 2 रुपीज़ 17 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.46%। 12 रुपीज़ 12 पैसा ये डिविडेंड वगैरह निल है और रिजल्ट है जनाब Q3 का। इसके बाद हम बताए जनाब ANRS, तो इसकी जो EPS आई है जनाब 2 रुपीज़ 8 पैसा ये डिविडेंड वगैरह निल है और रिजल्ट है जनाब Q1 का। इसके बाद हम बताए थर्ड नंबर पे FFL, तो इसकी LPS आई है जनाब 1 रुपीज़ 60 पैसा। इसके बाद नंबर आता है जनाब, ये रिजल्ट है ईयर का, ईयर एंडेड December 31, 2021 का। तो ये थे आज के 3 फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अच्छा जनाब, आपके सामने आज की इनसाइडर ट्रांजेक्शन मौजूद हैं 25 जनवरी की। नंबर वन पे हमारे पास जो कंपनी है वो IBFL है, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और आज इसके अंदर बाइंग हुई है जनाब 500 शेयर्स की 170 की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे जनाब पैकेजेस है, उसका ट्रेंड आपके सामने बाइंग के ऊपर है और आज देखते हैं क्या हुआ है ना। बाइंग हुई है आज भी 300 शेयर्स की 485 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर था जनाब थर्ड नंबर पे TATM, तो इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और इसके अंदर आज क्या ट्रांजेक्शन हुई है वो चेक कर लेते हैं। बाइंग हुई है जनाब 18,200 शेयर्स की 69 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद हम बताए जनाब ट्रिपल जीएल का, तो ये ट्रांजेक्शन है 21 जनवरी की, तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब जो कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है वो हो रही है शूटिंग स्टार फॉर्मेशन अपेयर हो रही है, जो कि बेयर को फेवर कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब, मैंने यहाँ पर आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन भी रख दी है, ताकि आपके सामने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन आ सकें और आप सपोर्ट को रेजिस्टेंस को पहचान सकें। तो जो रेड लाइन है जनाब, ये आपके लिए रेजिस्टेंस रीजन है और जो आपके पास ग्रीन लाइन है, ये आपके पास सपोर्ट रीजन है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके पास जो कल के लिए फर्स्ट सपोर्ट बनेगी वो बनेगी 44,734 की,
और इसके बाद जो आपके पास सेकंड सपोर्ट है जनाब, वो 44,594 के अराउंड है, ठीक है जनाब। और इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस जनाब, वो 45,101 की है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 45,294 की है, ठीक है जनाब। तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर रहते हुए काम कीजिएगा। और जो पैटर्न है जनाब, वो बियर को फेवर कर रहा है आज। वॉल्यूम के अंदर जनाब 97.01 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बंदर इंक्रीमेंट है। लेकिन जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जनाब, वो रिकवरी को फेवर नहीं कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली इंडेक्स अपनी रेजिस्टेंस रीजन को सस्टेन नहीं कर पाया, और वहाँ हायर साइड के ऊपर इंडेक्स ने सेलिंग का सामना किया है आज, जिसकी वजह से कल भी इंडेक्स अंडर प्रेशर आता हुआ लग रहा है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जिस तरह का मैं आपको कंटिन्यू सजेस्ट करता हुआ आ रहा हूं, जब तक इंडेक्स 45,500 को सस्टेन नहीं करता है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, जब तक 45,500 को सस्टेन नहीं करता है, आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहना है। ये आपको स्ट्रेटेजी में बता चुका हूँ। तो कल भी आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर ही रहना है, जब तक इंडेक्स 45,500 को सस्टेन नहीं करता है। सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस आपके सामने हैं, इनके अंदर रहते हुए काम कीजिएगा, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी ही रखिएगा, ठीक है जनाब। तो ये हो गया इंडेक्स का छोटा सा व्यू। और आज जो वॉल्यूम डे स्टॉक्स हैं उनमें मोस्टली कल मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज टू स्टॉक्स न्यू एड हुए हैं, एक हुआ है वेव्स, एक हुआ है ट्रीट। तो इन दोनों का व्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने वेव्स का डेली चार्ट ओपन है। वेव्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, 15 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और डेली चार्ट के ऊपर जनाब जो कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है। और इसने अपना हायर साइड जो पोस्ट किया आज जनाब, वो तकरीबन 16+ किया था, 16 रुपीज़ 10 पैसा का, लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर सका और अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वो इसके बिलो की है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहाँ आपने क्लोजिंग एडजस्ट की है, अपने सपोर्ट रीजन के पास की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस लाइन मैंने रख दी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके पास ये अच्छा सपोर्ट रीजन है जहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो मेरे हिसाब से वेव्स की पोजीशन है आज, इसके अंदर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे लगे हैं, 20.02 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। तो वॉल्यूम्स को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इसके अंदर लगता है कि ड्राइवर या प्लेयर जो इसका है वो इन हुआ है। तो आप इसके अंदर बाय ऑन की डिप की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। इसके पास जो फर्स्ट बनेगी सपोर्ट, वो जनाब यहाँ बनेगी, नोट कर लें, 15 रुपीज़ 32 पैसा, 15 रुपीज़ 32 पैसा की इसके पास फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनती है जनाब, वो यहाँ बनती है 14 रुपीज़ 97 पैसा, 14 रुपीज़ 97 पैसा की इसके पास सेकंड सपोर्ट है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब, इसके पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस, वो यहाँ बनेगी 16 रुपीज़ की, और उसके बाद जो सेकंड बन रही है जनाब रेजिस्टेंस, वो यहाँ बन रही है 16 रुपीज़ 32 पैसा। तो मेरे ख्याल से बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी इसके अंदर बेहतर रहेगी। इसकी RSI चेक कर लेते हैं, RSI जनाब 47 है, डेली बेसिस के ऊपर RSI न्यूट्रल है, ठीक है जनाब। ये हो गया वेव्स। और सेकेंड स्टॉक था नया जो आज एड हुआ है वॉल्यूम लीटर्स के अंदर, वो है जनाब ट्रीट। ट्रीट को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने ट्रीट का डेली चार्ट ओपन है। ट्रीट ने अपनी क्लोजिंग एजेस की 38 रुपीज़ 91 पैसा के ऊपर की है। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है वो बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं, चाहे इसने अपना जो आज हाई पोस्ट किया था जनाब, वो किया है एटलीस्ट 14 रुपीज़ 43 पैसा के अराउंड, को सस्टेन नहीं कर सका, अपनी क्लोजिंग नेगेटिव एडजस्ट की है। तो जनाब ट्रीट की जो पोजीशन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन 3 दिन की जो कैंडलस्टिक है, वो ये बता रही है कि इसकी पोजीशन थोड़ी सी रेंज बाउंड है। अपना हाई पोस्ट करता है 40 रुपीज़ 31 पैसा के अराउंड, और अपना जो एवरेज लो पोस्ट कर रहा है आजकल जनाब, वो कर रहा है यहाँ पर 38 रुपीज़ 50 पैसा के अराउंड। तो आज की कैंडलस्टिक जो है वो नेगेटिविटी को इंडिकेट कर रही है। तो मेरे हिसाब से कल भी ये अंडर प्रेशर रह सकता है। इसके अंदर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। इसके बाद जो सपोर्ट रीजन बन रहा है, अच्छा सपोर्ट रीजन जनाब, वो यहाँ बन रहा है फर्स्ट सपोर्ट, तो यहाँ बन रही है 38 रुपीज़ 5 पैसा की फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद अगर सपोर्ट की बात करूँ जनाब, वो सेकेंड सपोर्ट यहाँ बनती है 36 रुपीज़ 67 पैसा के अराउंड। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब, फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ बनेगी 40 रुपीज़ के अराउंड, और जो सेकंड बन रहेगी जनाब रेजिस्टेंस, वो यहाँ बन रही है 41 रुपीज़ 43 पैसा के अराउंड। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आप इसके अंदर रख सकते हैं। बाकी फ़िलहाल करंट प्राइस के ऊपर इसके अंदर बाइंग नहीं कीजिएगा।
जिसके अंदर आज वॉल्यूम काफ़ी अच्छे लगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर आज इंक्रीमेंट है, तकरीबन 9.38 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, और तकरीबन जो है मेरे ख्याल से कपल ऑफ वीक्स का हाईएस्ट वॉल्यूम जो है आज इसके अंदर जनरेट हुआ है। आर एस आई एम एस सी डी को चेक कर लेते हैं, तो जब इसकी जो आर एस आई है 41 है, डेली बेसिस के ऊपर आर एस आई वीक है। तो ओवरऑल पोजीशन आपके सामने है, वीक पोजीशन है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजीज के अंदर बेहतर रहेगी। ये अच्छी सपोर्ट लग रही है कि अगर यहाँ पर आप बाइंग करते हैं तो मेरे ख्याल से आप मार नहीं खाएंगे, जो कि 38 रुपीज़ के अराउंड बनती है। और मैं अपने ग्रुप के अंदर ऑलरेडी आज सजेस्ट कर चुका था 38 की प्राइस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने 38 को टेस्ट नहीं किया, पहले हायर साइड पर गया फिर नीचे की तरफ आया है, लेकिन अभी तक अपनी जो सपोर्ट रीजन है जो बता रहा हूँ आपको 38, इसको टेस्ट नहीं किया है, मे भी कल टेस्ट कर ले। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू के साथ शेयर किया है, और ये दो स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं वॉल्यूमीटर स्टॉक में से, एक किया है ट्रीट और सेकेंड किया है जनाब सेकंड किया है ना वेव्स। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई